आज तुम पाठशाला क्यों नहीं आई पूजा? तुम्हारे बगल में बैठने के कारण मेरे माँ बाप मेरा पाठशाला ही बदल दे रहे हैं। हाँ, कम से कम साथ में खेलेंगे ना। बाप रे, माँ मार ही डालेगी मुझे। ऐसे अपमानों के साथ ही अंजया और सिरिशा कई साल बताते हैं। एक दिन जब अंजया अपमान सहन ना करने के वजह से रो रहा था, उसे बंगलों के अंदर से पायल की आवाज सुनाई देता है। अचानक उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने पर तुरंत उठ के बंगलों की ओर देखता है। वो पायल की आवाज और कदम उसके ही ओर बढ़ते हुए सुन के कांपने लगता है। कांपते हुए अंजया को एक लड़की का आवाज सुनाई देता है। अंजया, मैं इसी घर का मालकिन गोपी लीला हूँ। इतने साल मेरे घर की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि तुम इस घर की चौकीदारी करने के लिए कितने अपमान सह रहे हो। माता, क्या आप सच कह रहे हो? लेकिन मुझे सिर्फ आपका आवाज सुनाई दे रहा है। आप दिख नहीं रहे हो। आप क्या भूत हैं? क्या आप मुझे मार देंगे? अंजया, नीचे तो देखो। ऐसे उस आत्मा के कहने पर जब वो नीचे देखता है तो सिर्फ उनके पैर दिखते हैं। वो पैर दिखने में बहुत ही सुंदर थे और पायल से सजे हुए थे, मगर सिर्फ उनके पैर दिखने के कारण अंजया दंग रह जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अच्छे लोगों को अच्छा करूंगी और बुरे वालों को सबक सिखाऊंगी। तुम दुखी हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसकी बातें सुनकर डर के मारे अंजया कहता है, माता, पहले से ही गांव में सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हम में भूत घुसा है। लगता है कि आप वो बात सच करने वाली है। हमें आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ये कह के रोता है। जब वो आत्मा कहती है, ठीक है, मैं अपने पायल यहीं पे छोड़ रही हूँ। ये अपने पोती को बांधो, सब अच्छा ही होगा। मेरे घर के लिए तुमने आज तक इतना काम किया है, उसके लिए बस ये छोटा सा तोहफा समझो। ये पायल बांध के जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। भूलना मत, अपने पोती के साथ अब से खुश रहोगे। अब से यहाँ आके काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ऐसे उन पायल को वहाँ छोड़ के गायब हो जाती है। अंजया उन्हें लेकर घर जाता है। घर पहुँच के अंजया सोच में पड़ जाता है कि पोती को कैसे समझाएगा ये बात। उतने में पोती घर पहुँचती है। दादाजी, क्या हुआ? आप दुखी क्यों दिख रहे हो? सिरिशा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, मगर तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है? ऐसे सिरिशा को सब कुछ बताते हैं। दादाजी के हाथों से पायल लेके कहती है, हाय भगवान, कितने सुंदर पायल है। गोपी लीला जी बहुत अच्छे हैं। उन्हें भूत के नाम से मत पुकारो दादाजी। उन्होंने अगर इतना अच्छा तोहफा मुझे दिया तो ही सोचिए। ऐसे खुशी के साथ कहती है और अपने दादाजी से वो पायल बंधवाती है। बेटी सिरिशा, याद है ना, इन पायल को पहन के जो भी मांगो वो हो जाता है, इसीलिए ध्यान से रहना। सब कुछ पता होने के बावजूद सिरिशा बिना कोई डर के साहस के साथ उन पायल को बांध के पूरा घर चलती रहती है। उस रात को सिरिशा को खिला के सुलाने के बाद अंजया भी सो जाता है। सिरिशा पायल के सहारे उड़ते हुए नीचे का सारा धरती पूरा सुंदर दिखते हुए, उसके ही साथ सारे पक्षी उड़ते हुए बादल के बीच में से हंसते हुए खेलते हुए दिखाई देता है। कितना सुंदर सा भावना है। ऐसे सोचती ही है
कि उतने में उसे गोपी लीला उसके ही जैसे पायल बांध के घर में दौड़ना दिख जाता है। गोपी लीला अपने पायल को छू के कुछ सोचती है और आंख खोलते ही उसके सामने एक बड़ा सा हाथी होता है। उस पे बैठ के उसके साथ कुछ बच्चों को भी बिठा के सैर करती है। सिरिशा इस सब का यकीन नहीं कर पाती है। अचानक जाग उठती है। ये सब मेरा सपना था। हाँ माँ, सच मान की डर गई। सिरिशा की बातें सुनके अंजया भी उठता है और तब जान पाता है कि क्या हुआ। ये सच है बेटी, वो पायल वाकई ही शक्तिशाली है। हमारे जीवन को बदलने के लिए इतने साल के हमारे काम के लिए कृतज्ञ होके गोपी लीला जी ने इसे तोहफा के रूप में हमें दिया। अब ये तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें जो मांगना है मांगो, लेकिन बुरा नाम मत लाना बस। अब सो जाओ बेटी, बहुत देर हो रहा है। अपने दादू के बताए बातों को ध्यान में रख के सो जाती है। अगले दिन पूरा गांव अकेले घूम के घर आती है। दादाजी, मेरा एक विचार है, क्यों ना हम इन पायल का उपयोग करके गांव के सारे मुश्किलों को दूर करें, तब हमारा गांव भी विकास पाएगा और उसी के साथ हमारा नाम भी, तब हम चारों में इज्जत से जी पाएंगे। ऐसे एक विचार के साथ सिरिशा उन पायल का उपयोग करना शुरू करती है। जैसे जैसे साल बीते वैसे वैसे वो उस गांव को एक शहर बना पाती है। एक समय में गांव का भला बुरा गोपी लीला ही देखती थी, मगर उनके चलने के बाद उन्हीं के दिए हुए पायल के सहारे सिरिशा उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उनके सारे ख्वाहिशों को पूरा करती है। इतना ही नहीं, अंजया के परिवार के सारे मुसीबतों को दूर करके सिरिशा के वचन के अनुसार ही सभी के समान जीते हैं।